फेमस टिकटॉक स्टार फैजल सिद्दीकी के मामले में अब टिकटॉक ने अपनी सफाई दी है। टिकटॉक प्रवक्ता ने कहा कि लोगों को उनके प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेवा की शर्तें और कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये स्पष्ट है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर किन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। टिकटॉक ने कहा कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक किसी को खतरा पहुंचाने वाले, शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले और महिलाओं के खिलाफ अपराध को प्रमोट करने वाले कंटेंट को बढ़ावा देना हमारी पॉलिसी में नहीं है। टिकटॉक ने आगे कहा कि फैजल का कंटेंट हमारे गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाला था, इसके लिए हमने कंटेंट को हटा दिया है और उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही हम कानूनी एजेंसी से सलाह भी ले रहे हैं। अब आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। मामला एक वीडियो से जुड़ा है जिसमें फैजल सिद्दीकी नाम का टिकटॉकर लड़कियों पर एसिड अटैक को प्रमोट करता नजर आ रहा है। फैजल के टिकटॉक पर 13.5 मिलियन फॉलोअर्स थे। वायरल वीडियो में फैजल एक लड़की पर पानी फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे एसिड बताया जाता है। वो लड़की से कहता है कि उसने उन्हें दूसरे लड़की के लिए छोड़ दिया ना। अगले सीन में लड़की के चेहरे पर लाल रंग का काफी मेकअप होता है जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लड़की का चेहरा जल गया है। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब बीजेपी विधायक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर NCW चेयरपर्सन रेखा शर्मा को ये वीडियो देखने को कहा, जिसके बाद NCW ने भी फैजल सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें फैजल सिद्दीकी टीम नवाब के मेंबर और टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी के भाई है। आमिर भी हाल ही में विवादों में घिरे रहे। आमिर ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि क्यों यूट्यूब से ज्यादा टिकटॉक बेहतर है। इसके बाद तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वर्चुअल जंग छिड़ गई। इसके जवाब में फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाती ने एक वीडियो जारी कर आमिर को रोस्ट किया था। बाद में विवाद बढ़ता देख YouTube ने भी अपने प्लेटफॉर्म से कैरी का वीडियो हटा दिया था। फिलहाल TikTok की रेटिंग प्ले स्टोर पर काफी गिर गई है। फैजल सिद्दीकी के मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें।